अभी नूपुर शर्मा द्वारा दिए गए बयान का विवाद थमा भी नहीं था कि किरण बेदी भी इन दिनों एक विवाद को लेकर काफी चर्चा में आ गई हैं और इस विवाद के चलते फंस भी गई हैं। देश की पहली महिला आईपीएस अफसर और पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल यानी कि किरण बेदी इन दिनों अपने एक बयान को लेकर काफी विवादों में है। हालांकि सिखों पर दिए गए इस बयान के बाद उन्होंने अपने ट्विटर हैंडलर से लोगों से माफी भी मांगी है। आपको बता दें इसी कड़ी में उनकी टिप्पणी की शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने निंदा की है। हालांकि माफी मांगने के बाद भी बुधवार को सिख समुदाय में नाराजगी दिखी। साथ ही आपको बता दें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उनके खिलाफ कोर्ट जाने की भी तैयारी कर ली है। दरअसल किरण बेदी को सिख इतिहास पढ़ने की सलाह देते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रमुख ने बुधवार को कहा कि सिखों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए SGPC उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेगी। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताजा तमाम बड़ी अपडेट से हमेशा जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com।